सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल पे और बेल आइकन पे क्लिक करिए लेटेस्ट कुकिंग वीडियोस सबसे पहले देखने। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका अमन्स किचन में। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं मटन करी। तो मटन करी के लिए यहाँ पे हम लोग ने जो है 5 से 6 जो है लार्ज अनियंस लेके रखे हैं। इनको हम लोग ने जो है काट लिया है, हाफ कर लिया है। एक लार्ज पीस जो है हम लोग ने जिंजर का लेके रखा है, इसको हमने चॉप कर लिया है। 8 से 10 जो है हम लोग ने गार्लिक लेके रखा है। साथ ही साथ में हम लोग ने 3 बे लीफ लेके रखी हैं, चॉप कोरिएंडर। यहाँ पे हम लोग ने पॉपी सीड्स और कैश्यू नट लेके रखा है। पॉपी सीड्स की क्वांटिटी आप 1 टेबलस्पून ले लीजिएगा और साथ ही साथ में 3 से 4 आप कैश्यू नट ले लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग ने चॉप कोरिएंडर रूट रखे हुए हैं, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, कसूरी मेथी, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और साथ ही साथ में हम लोग ने यहाँ पे जो है 1 kg मटन लेके रखा हुआ है, तो इसको जो है आप अच्छी तरीके से धो लीजिएगा और चलिए बनाना आप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे ब्लेंडर के अंदर हम लोग जो है हमारे अनियंस को ऐड करेंगे, जिंजर को ऐड करेंगे, गार्लिक को ऐड करेंगे, साथ ही साथ में कैश्यू नट एंड पॉपी सीड्स को ऐड कर देंगे। इसके अंदर जो है अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो इसको जो है अब हम ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लेंड करने के बाद आपका पेस्ट कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो चलिए इसको हम लोग पकाना शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास पत्थर के फूल हैं, तो इसको भी हम लोग जो है हमारी मटन में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कुकर जो है वो गर्म हो चुका है। इसके अंदर जो है हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया हुआ है। आप चाहे तो नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल से भी कुकिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ने 8 से 10 टेबलस्पून जो है मस्टर्ड ऑयल लिया हुआ है। इसके अंदर जो है अब हम सबसे पहले डालेंगे बे लीफ, पत्थर के फूल, इसको जो है गर्म होने देंगे। जैसे ये गर्म हो जाए इसके बाद हम ऐड करेंगे हमारा अनियन पेस्ट। इसको कर लेते हैं हम एक बार मिक्स। इसको हम 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। 2 से 3 मिनट पका लेने के बाद हम लोग जो है इसके अंदर हमारे पाउडर स्पाइसेस को ऐड करेंगे। लेकिन उसके पहले हम सबसे पहले ऐड करते हैं हमारा सॉल्ट। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून जो है सॉल्ट ऐड किया है। 1/2 टीस्पून जो है हम टर्मरिक ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून जो है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। 2 टीस्पून जो है हम कोरिएंडर पाउडर को ऐड करेंगे। जो चॉप कोरिएंडर रूट्स थी उनको भी ऐड कर देंगे हम और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। तो 8 से 10 मिनट ग्रेवी को पका लेने के बाद अब हम इसके अंदर जो है हमारा 1 किलो मटन ऐड करेंगे। इसको कर देते हैं एक बार मिक्स। मिक्स कर लेने के बाद अब हम जो है इसको 8 से 10 मिनट ऐसे ही इस पे रोस्ट करेंगे। एक और बार इसको जो है मिक्स कर देंगे। अब हम जो है इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करेंगे। इसको एक और बार मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर जो है हमारा गरम मसाला डालेंगे, क्रश कसूरी मेथी, इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब हम जो है इसको प्रेशर कुक करेंगे 2 विसल्स हाई फ्लेम पे और 2 विसल्स लो फ्लेम पे। अगर आप चाहते हैं कि आपको ग्रेवी एकदम कम चाहिए तो इसके अंदर 1/2 कप से ज़्यादा पानी ऐड मत करिएगा और इसको फिर उसके बाद प्रेशर कुक करिएगा। यहाँ पे मैंने ग्रेवी वाला बनाया है इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड किया है। अब हम जो है इसको प्रेशर कुक कर देंगे।
दो विसल्स आ जाने के बाद हम लोग ने फ्लेम जो है वो लो पे कर दी है। अब हम स्लो फ्लेम पे दो विसल्स का और वेट करेंगे। हमारी जो है लो फ्लेम पे दो विसल्स आ चुके हैं, तो हम जो है गैस को बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। तो दोस्तों हमारा जो कुकर है वो पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम जो है इसको एक बार खोल के देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया तरीके से हमारा मटन जो है वो बनके एकदम तैयार हो चुका है और ये पूरी तरीके से अच्छे तरीके से गल भी गया है। तो अब हम जो है इसके अंदर थोड़ा सा कोरिएंडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा कोरिएंडर, एक चुटकी भर गरम मसाला भी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। इसको एक बार कर लेते हैं मिक्स और हमारा जो मटन है वो बनके तैयार हो चुका है। तो दोस्तों हमारी जो मटन करी है वो बनके एकदम तैयार हो चुकी है और बहुत ही अच्छी मटन करी बनी है हमारी। एकदम सारे पीसेस जो है वो अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारा वीडियो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।